हेलो गाइस, यशटेक चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। ये कंप्रेसर जो है इस यूनिट का चिलर का गया हुआ है, तो इसको रिप्लेस करना है। तो देखिए कंप्रेसर का वाइंडिंग जो है वो इसका गया हुआ है, सिर्फ एक वाइंडिंग में ही रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, बाकी दोनों वाइंडिंग में रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए ऑफ भी करें, देखिए इन दोनों टर्मिनलों पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है। देखिए अभी भी ऑफ पोजिशन में ही है, कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है रीडिंग। सिर्फ ये दो वाइंडिंग को कनेक्शंस कंटिन्यूटी है, रेजिस्टेंस जो है 3.5 शो कर रहा है ओम्स, बाकी के दो वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा कंप्रेसर जो है ख़राब हो चुका है, उसका वाइंडिंग इंटरनली कट हो चुके, बर्न हो चुके हैं। और कंप्रेसर ख़राब होने के बाद भी टर्मिनल्स वाइंडिंग्स का बॉडी के साथ कोई अटैच नहीं है, तो बॉडी ग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ये जो ड्रायर जो हमने निकाल लिया है, इसके जगह पे दूसरा नया ड्रायर बिठाएंगे, और कंप्रेसर भी नया मंगाया है तो इस कंप्रेसर को बिठाएंगे। ये डेनफोर्स कंपनी का कंप्रेसर है, SC21G, और इसमें रेफ्रिजरेंट जो है R134A है। ये 230, 220, 240 वोल्ट का है सिंगल फेस। अभी हम ये नए कंप्रेसर के टर्मिनल भी चेक करेंगे, क्योंकि जो नया कंप्रेसर बिठाने से पहले वो टर्मिनल्स और पंपिंग चेक करके बिठाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका काम बढ़ जाएगा। बिठाने के बाद कुछ इश्यू वगैरह रहेगा तो कभी कभी नए कंप्रेसर भी फॉल्टी निकलते हैं। अब इसमें देखिए तीनों के तीनों कनेक्टर्स जो है इसके टर्मिनल पिन, उसमें कंटिन्यूटी मिल रही है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अभी हमने दोनों ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया हुआ है नॉब्स को, तो यहाँ पे 16.6 रेजिस्टेंस शो कर रहा है। क्योंकि ये नया है तो कंफर्म है कि रेजिस्टेंस सही होंगे। अभी हम इनको इंटरचेंज करके एक एक प्रोब को इंटरचेंज करके देखेंगे रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनलों का भी रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है 13.2। देखिए फिर से प्रोब हमने टर्मिनल्स में चेंज किए, तो यहाँ भी हमें
3.5 शो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा वाइंडिंग जो है सही है। और तीनों टर्मिनल हमने बॉडी के साथ भी चेक कर लिए कि कोई कंटिन्यूटी बॉडी के साथ ग्राउंडिंग वगैरह कुछ नहीं है। ये जो है इसका CSCR वायरिंग है, ये वायरिंग का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ये पूरा असेंबली करके आया हुआ है और ये जो इसके बेज कंप्रेसर बेज रबर है जो वाइब्रेशन से प्रोटेक्शन करते हैं, तो इनको हमने रिप्लेस कर दिया है। ये जो नया कंप्रेसर है और चार्जिंग लाइन जो है ऊपर वाले चार्जिंग वाले पोर्ट में डाल दिया है और उसको ब्रेजिंग करके कंप्रेसर हमने बिठा लिया है। देखिए इसके सक्शन, डिस्चार्ज, चार्जिंग लाइन और न्यू ड्रायर जो है रिप्लेस कर दिया है हमने। ये मॉडल जो है सेम मॉडल था जो हमने निकाला हुआ कंप्रेसर का, तो इसलिए हमें कुछ लाइन्स वगैरह कॉपर पाइप्स के चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमने ड्रायर कनेक्ट कर दिया है। ड्रायर कनेक्ट करते वक्त एक ध्यान रखना है कि एयरो हमेशा इवेपोरेटर कॉइल की तरफ ही रहे, क्योंकि कंडेंसर से जो जब निकलेगा कंडेंसर से होकर वो कैपिलरी के थ्रू इवेपोरेटर जाएगा, तो ये ध्यान ज़रूर रखिए। और ये ब्रेजिंग करते वक्त ड्रायर को वेट क्लोथ या किसी से उसको प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका हीट जो है उसके बॉडी में वगैरह लग जाएगा और उसका अंदर वाला जो सिलिका जेल वो भी ख़राब होने का चांसेस रहता है और उसका नेम टैग वगैरह वो भी जलता है, तो उसका केयरफुली ब्रेजिंग करना ज़रूरी है। और ये हमें 134 गैस इसको चार्ज कर दिया है, इससे पहले हमने इसको 13 मिनट वैक्यूम कर लिया था। वैक्यूम करने के बाद हमने गैस 134 चार्ज कर दिया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया है। देखिए ये जो है सिलेंडर से होकर गेज मैनिफोल्ड के मिड लाइन में हाउस येलो हाउस को कनेक्ट किया हुआ है और ब्लू हाउस को लो प्रेशर गेज से कंप्रेसर के चार्जिंग पॉइंट में कनेक्ट किया हुआ है और गैस से चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह हमें ये जो येलो चार्जिंग हाउस है जो सिलेंडर को लगाई है, इसी हाउस को कंप्रेसर के इस वैक्यूम पंप के इसमें लगा के वैक्यूम करना है। ये वैक्यूम पंप है हमारा, तो जो R134 सिलेंडर में जो हाउस लगा हुआ है उसी हाउस को निकाल कर वैक्यूम पंप के लाइन में कनेक्ट करके वैक्यूम करना है। इसकी कैपेसिटी है, ये मॉडल 15601 है। देखिए हमारा अभी टेम्परेचर आ रहा है 4.3, प्रेशर हमारा 5 PSI रखा है हमें बैक प्रेशर और हमारे एम्स जो है 4.56 है। देखिए हमारा टेम्परेचर अब आ चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।